में होगा, बाकी जो मजामीन है उनमें नहीं होगा। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और मैथमेटिक्स। 11वीं 12वीं का जो इम्तिहान है वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में होगा, और ये हमने इसलिए भी सोचा है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का, कि अगर किसी ने डॉक्टर बनना है तो उसने बायोलॉजी ली हुई है, उसने केमिस्ट्री ली हुई है वगैरह, किसी ने इंजीनियर बनना है तो उन्होंने और फिजिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स लिए हैं, तो जो भी किसी ने जिस स्ट्रीम में जाना है उस स्ट्रीम का इम्तिहान हम ले लेंगे, और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनका इम्तिहान नहीं देंगे। तो ये इससे स्टूडेंट्स के लिए कुछ आसानी जो है वो पैदा होगी। और दूसरा जो आसानी हमने पैदा की है, क्योंकि हम एग्जाम शुरू कर रहे थे, सारे पाकिस्तान के बोर्ड जो थे वो 24 जून से इम्तिहान शुरू कर रहे थे, अब उन्होंने कहा है कि 10 जुलाई के बाद आप इम्तिहान शुरू करें, यानी कि मजीद 2-3 हफ्ते जो है